सी वेलकम ऑन माई चैनल इंडियन मॉम फॉरएवर। मेरा नाम है अदिति और आज मैं रिव्यू करने वाली हूँ वैसलीन के 3 डिफरेंट बॉडी लोशंस का। ये रिव्यू हम करेंगे, उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। तो आइए हम करते हैं रिव्यू अपने 3 बॉडी लोशंस का। अब हम इनके बारे में एक एक करके जान लेते हैं। तीनों ही मॉइस्चराइज़र बहुत बहुत अपने आप में अलग और बहुत अच्छे हैं। इन तीनों के अंदर नॉन ग्रीजी फॉर्मूला है और ये अच्छे से स्किन में अब्जॉर्ब हो जाते हैं। सबसे पहली बात तो हम ये कर लेते हैं कि कौन से स्किन टाइप को सूट करेंगे। तो मेरा स्किन टाइप ड्राई या नॉर्मल टू ड्राई मेरा स्किन टाइप है और मुझे ये काफ़ी सूट किया है। मुझे ठंड सर्दी के दिनों में जब ड्राई स्किन हो जाती है तो काफ़ी देर तक इनका जो मॉइस्चर है वो लॉक रहता है स्किन के अंदर। तो आइए मैं आपको इनका एक बार ही बता देती हूँ। तो ये कुछ इस तरीके सा हल्का सा आपको इसमें ऑफ वाइट कलर आपको इसमें दिखेगा और ये काफ़ी गाढ़ा है और जब हम इसको स्किन पर इस तरीके से जब रब करते हैं तो ये नॉन ग्रीजी है, आपको बिल्कुल भी चिपचिपा सा फील नहीं होता। और देखिए कुछ देर में ही ये मॉइस्चराइज़र अपने आप स्किन में अब्जॉर्ब हो जाता है। तो ये बात हो गई हमारे वैसलीन के कोकोआ ग्लो मॉइस्चराइज़र की। इस मॉइस्चराइज़र की खास बात यह है कि ये मैंने पहले भी काफ़ी बार यूज़ किया है और इस मॉइस्चराइज़र का जो हम स्मेल करते हैं तो इसमें हल्का सा आपको कोको का जो कोको चॉकलेट पाउडर होता है ना उसका स्मेल आपको इसमें आता है। तो हल्का सा वो एक बहुत ही धीमा धीमा सा जो मन सा जो स्मेल है वो बहुत अच्छा लगता है और ये आपकी स्किन को काफ़ी टाइम तक मॉइस्चराइज्ड रखता है, आपके स्किन को के अंदर मॉइस्चराइजर को लॉक रखता है। अब जो वैसलीन का कोकोआ ग्लो है ये हमारे जो स्किन है उसको एक अच्छा सा शाइन अच्छा सा ग्लो देता है। तो ये तो बात हो गई वैसलीन के कोकोआ ग्लो की। अब इसके जो 2 नए जो आपके बॉडी लोशंस आए हैं उनके बारे में हम बात कर लेते हैं। एक तो है कामिंग लेवेंडर और एक है रिवाइटलाइजिंग ग्रीन टी। तो रिवाइटलाइजिंग ग्रीन टी को मैंने ऑलमोस्ट ख़त्म कर दिया है, ख़त्म होने वाला है, यहाँ तक पहुँच चुका है। एक रिवाइटलाइजिंग ग्रीन टी आप सब जानते हैं हमारे लिए कितनी अच्छी होती है, हमारे जो स्किन है उसके अंदर एजिंग के प्रोसेस को रोकती है। इसके अंदर हल्का सा बहुत ही रिफ्रेशिंग सा ऐसा फील है ग्रीन टी और हर्ब्स का, एक हल्का सा महक आती है इसमें जो बहुत अच्छी लगती है। ये भी सेम उसी नॉन ग्रीजी फॉर्मूला के साथ में आता है और बहुत अच्छे से स्किन के अंदर मॉइस्चर को लॉक करके रखता है। अब हम अपने जो लास्ट वैसलीन के बॉडी लोशन के बारे में बात करने वाले हैं वो है कामिंग लेवेंडर, जो मैंने अभी अब मैं इसको स्टार्ट करूंगी और अभी आपके सामने हम इसको लेकर के और देखते हैं कैसा हमको ये कैसा उसका फील आता है। तो एकदम प्योर वनीला वाइट कलर का, जो वनीला आइसक्रीम नहीं होता वैसा वाइट कलर का इसका ये दिखने में है और इसका जो टेक्सचर है वो जो कोकोआ ग्लो है उससे थोड़ा सा लाइट है और ये एक लेवेंडर की बहुत ही काम बहुत ही आपको एक रिलैक्स करने वाली स्मेल के साथ में आता है और बहुत अच्छे से आपकी स्किन को ये हील करता है। सर्दियों में आपकी स्किन का बहुत ध्यान रखता है और लेवेंडर के ये जिन कॉन्स्टिट्यूएंट से मिलके बने हैं उनकी हम बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो कोकोआ ग्लो जो है ये प्योर कोकोआ और शिया बटर से मिलके बना हुआ है। शिया बटर हम जानते हैं हमारे स्किन के स्किन को कितना फ़ायदा पहुंचाता है, ये हमारी स्किन के जो डेड सेल्स होती हैं जो हमारी कटी फटी स्किन में दरारें होती हैं उन सबको ये हील करने का काम करता है। अब हम नेक्स्ट हमारा रिवाइटलाइजिंग ग्रीन टी जो है ये प्योर ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट के साथ में आता है और ये हमारी स्किन को रिवाइटलाइज करने के लिए, अगर आपका स्किन बहुत टाइम से ऐसा हो गया कि बहुत रूखा सूखा हो गया डेड होने जो डेड स्किन है वो एकदम उसकी परत लेयर अगर चढ़ जाती तो उसके बाद में उसको एक फिर से रिवाइटलाइज करने के लिए ये बॉडी लोशन काफ़ी अच्छा है। तीसरा हम बात कर लेते हैं कामिंग लेवेंडर की। जब आप इसको लगाएंगे तो इतना काम और रिलैक्स फील करते हैं ना, बहुत अच्छा इसका स्मेल जो है मुझे काफ़ी पसंद है। थोड़ा सा इंटेंस स्मेल है एज़ कम्पेयर टू अदर टू, बट
अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा इसका स्मेल है। ये प्योर लेवेंडर ऑयल के साथ में आता है, लेवेंडर एक्सट्रैक्ट के साथ में आता है, एंड ये हमारी स्किन को हेल्दी बनाता है और वो नेचुरली काम रखता है। अब हम इनके कैसे यूज़ करना है वो हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले इसका हम पैकेजिंग की बात उसमें सबसे पहले आती है। तो पैकेजिंग तीनों का बॉटल का शेप साइज सेम है, बस कलर चेंज किया है। और इसका जो नोजल है वो कुछ इस तरीके से बनाया है, ऊपर वैसलीन लिखा है और यहाँ से जब हम प्रेस करते हैं तो ये कुछ इस तरीके से बाहर निकल के आता है। अब जब इसको हमें इस तरीके से पाम पे लेना है और एक जहाँ भी जिस भी बॉडी पार्ट में लगाना है वहाँ पर हमको इसको अच्छे से रब करना है, और रब करने के बाद में अच्छे से ये अब्जॉर्ब हो जाएगा। तो इस तरीके से इसको हमको अप्लाई करना है, और जब भी आप आफ्टर बाथ इसको ऐसे एरियाज में जरूर लगाएं, जैसे हमारा नेक रीजन हो गया, हमारा यहाँ पर कोहनी में हो गया, एंकल हो गए जहाँ पर बहुत ज़्यादा ड्राई रहता है, हमारे नीज हो गए, तो उन अपने पूरी बॉडी के ऊपर इसको अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ आप इसको एक हैंड क्रीम की तरह भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि हम जो लेडीज़ हैं, जो हम घर में काम करते हैं, किचन का काम होता है, बहुत सारे ऐसे चीज़ें होती हैं जिनमें हम बार बार पानी में हाथ डालने पड़ते हैं और हाथ खराब रूखे सूखे से लगने लगते हैं, तो उसके बाद में हमको एक बहुत अच्छी सी हैंड क्रीम का यूज़ करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। और अच्छे से हैंड क्रीम पे जब आप एक्सपेंस उसके ऊपर पैसे खर्च करते हैं तो उससे अच्छा है आप इस लोशन को खरीद लें, और ये काफ़ी अच्छा मैं रिकमेंड करूंगी एज अ हैंड क्रीम, बहुत अच्छा काम करता है। तो ये था दोस्तों रिव्यू वैसलीन के तीनों बॉडी लोशंस का, जो कि हमने कामिंग लेवेंडर लिया, कोकोआ ग्लो लिया और तीसरा हमारा रिवाइटलाइजिंग ग्रीन टी लिया। तो इन सब में तीनों में से आप भी यूज़ करके देखिए आपको कौन सा सबसे ज़्यादा पसंद आया, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। टिल देन बाय बाय।